भाजपा नेता केपी चौहान ने अपने का छठवां जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया और माता पिता का आशीर्वाद लिया। ये खबर है एमआरयू इंडिया टीवी पर। ये खबर इटावा की है, जहां महेवा में ब्लॉक क्षेत्र में ग्राम निवाड़ी कला निवासी सपा नेता व पत्रकार कृष्ण प्रताप सिंह चौहान सुपुत्र विनोद सिंह चौहान अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, जो उनका छठवां जन्मदिन निज निवास पर बहुत ही बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। केपी चौहान के पिता माता पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि आज केपी चौहान का छठवां जन्मदिन है और जिसे हम सब ने मिलकर मनाया है। तो वहीं केपी चौहान ने माता पिता का आशीर्वाद लिया और आगे चलकर सपा के नेतृत्व में राजनीति की बड़ी पाली खेलने की इच्छा जाहिर की है। तो उन्होंने बताया कि हमारे जन्मदिन के अवसर पर हमारे पिता श्री विनोद सिंह चौहान ने जनपद के वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकार संगठनों को सत्येंद्र सेंगर राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया अधिकार मंच भारत, विक्रम सिंह राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिकारी मीडिया अधिकार मंच भारत एवं सुल्तान सिंह राणा प्रदेश सचिव मीडिया अधिकार मंच भारत उत्तर प्रदेश सह जिला अध्यक्ष व प्रदेश के पदाधिकारी एवं समाजवादी पार्टी के गणमान्य नेता गढ़ व उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के इटावा जनपद के जिला अध्यक्ष व पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है, जहां समस्त कार्यक्रम चौहान बिल्डिंग मटेरियल के प्रांगण में संपन्न हुआ। तो केपी चौहान के जन्मदिन के अवसर पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन इटावा के जिला अध्यक्ष स्वामी सरल श्रीवास्तव, महामंत्री राकेश कुमार सिंह राठौर, डॉक्टर राजेश चौहान, मंत्री तरुण तिवारी, सुगर सिंह, राजू दुबे जी, वीरेंद्र पोरवाल जी, प्रवीण गौतम, पत्रकार संदीप गौतम, पत्रकार एमपी यादव आदि लोगों ने जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। एमआरयू इंडिया टीवी से ब्यूरो रिपोर्ट। आज बर्थडे कार्यक्रम मतलब थोड़ा बड़ा कर दिया। इस बच्चे के जीवन के लिए आगे आपकी क्या शुभकामनाएं हैं? शुभकामनाएं तो यही है हमारी कि ये भविष्य में बहुत उत्तर बने। क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा बच्चा बहुत आगे बढ़े और रिजल्ट है और भी आगे चॉइस अच्छी रहे। केपी जी, आज आपका जन्मदिन आपके साथियों ने, समाजवादी पार्टी के कई युवा साथी, पत्रकार बंधु, समाज के नामचीन लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस अवसर पर आपके मम्मी पापा ने आपकी पूरी खुशियों की सहभागिता निभाते हुए आपका जन्मदिन मनाया है। आप अपनी मम्मी और पापा के सपनों को कैसे साकार करेंगे, आगे आप क्या करना चाहेंगे? हमारे मम्मी पापा हैं और इसमें मम्मी पापा घर में साज्ञा मानूंगा, जो मम्मी पापा कहेंगे उनके लिए हम वो करेंगे और मेरा सबसे बड़ा तो मम्मी पापा ही है। आने वाले जीवन में आप क्या करना चाहेंगे? कुछ आपने सपना पाल रखा होगा, कुछ दिल में होगा, क्या करना चाहेंगे? ऐसा कुछ क्या करना चाहेंगे जिससे आपके मम्मी और पापा दोनों आप लोगों के कार से गौरवान्वित हों? जैसे मैं 5 सालों से राजनीति में हूँ समाजवादी पार्टी से, और मैं सभी लोगों का आशीर्वाद ऊपर है और मेरे मम्मी पापा की ख्वाहिश ये है कि मेरा बच्चा जो केपी सिंह चौहान है सपा नेता, ये आगे बढ़े और मेरे घर वालों को खुशियाँ मिले, लोगों का नाम लिया जाए, सब जगह सम्मान मिले। और ऐसे ही मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ जो मेरे पास आए, मेरे पत्रकार बंधु, बहुत समाजवादी पार्टी के नेता और बड़े छोटे बड़े भाई सभी लोग आए हुए हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ निवाड़ी कला में कि आज हमारे जन्मदिन पर इन लोगों ने आकर हमारे आशीर्वाद दिया मुझे। और के पी जी, एमआरयू इंडिया टीवी एवं मीडिया अधिकार मंच भारत की ओर से शुभकामनाएं। जहां तुम्हें कभी भी रुकावट समझ में आए किसी रास्ते में, आप मीडिया अधिकार मंच भारत का एक बार नाम लेना और रास्ते अपने आप आपके साफ हो जाएंगे। मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र सेंगर, आप देख रहे थे एमआरयू इंडिया टीवी पर अपनी खास खबरें। मित्रों, अगर जो खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।